भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो 84 साल के थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें दिल्ली स्थित सैन्य अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती करते समय बताया गया था कि प्रणब मुखर्जी के मस्तिष्क में एक थक्के का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा था। बाद में उनके फेफड़ों में संक्रमण होने की बात भी सामने आई थी। इसके साथ ही वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे, जिसकी जानकारी खुद प्रणब मुखर्जी ने दी थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता रहे। यूपीए सरकार के दौरान वो देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। प्रणब दा के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1969 में हुई, जब इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा की टिकट दी। इसके बाद वो साल 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने जाते रहे। उन्हें मनमोहन सरकार के दौरान अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रणब मुखर्जी उस समय भी चर्चाओं में आए जब वो अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उस समय कई कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया था।